मोस्ट नंदी माँ चे नंद शाह परमित ते पद विंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु सिंह गुप्पति रही गुप्पति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जतौ जिनवरी अर्थ ति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान परियो देव को गुरु को धर्म को साची को वर्माण उत्पन्न जैव अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जैवन 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 अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य पूर्व सतपूर्व संत तारण त्रम्लाचार्य महाराज की जय। ये पहले मीनाक्षी जी का प्रश्न ले रहा है और वह प्रश्न जो ले रहा है वो आपके जीवन में काम का प्रश्न है, जरा आप उसे समझे। पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, इसको समझना अपने को बहुत अच्छे से, क्योंकि अपने को पुण्य की परिभाषा भी अपन सही निकल पाते। अंशज भैया ने वीडियो ऑफ कर लिया है, चलिए। तो अपन पुण्य पाप को भी सही तरीके से नहीं समझ पाते, तो अपन समझने का अभ्यास करते हैं कि वास्तव में पुण्य पाप है क्या। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पुण्य, दो में अंतर यदि सरल भाषा में हम आपको समझाएं। सम्यक दर्शन आदि के निमित्त से, सोलह कारण भावना आदि के निमित्त से, वात्सल्य और मैत्री भाव के निमित्त से जो पुण्य वंदता है। सम्यक दर्शन के निमित्त से, सोलह कारण भावनाओं के निमित्त से, वात्सल्य और मैत्री भाव के निमित्त से, संयम के निमित्त से, साधना आदि के निमित्त से जो पुण्य बनता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। अर्थात भैया सोलह, यदि कोई सोलह कारण भावनाएं भा रहा है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक कोई उपदेश कर रहा है, सम्यक की सम्यक के अनुसार अपने जीवन यापन कर रहा है, या फिर संयम आदि का पालन कर रहा है सम्यक सहित, तो ऐसा जीव पुण्यानुबंधी पुण्य का अधिकारी होता है। और पापानुबंधी पुण्य कैसे बनता है, अज्ञान में। अज्ञान में मतलब अज्ञान में यदि आप किसी को दान दे रहे हो, दया कर रहे हो, किसी के ऊपर उपकार कर रहे हो, किसी को परोपकार कर रहे हो, तो सम्यक दर्शन से रहित या फिर लोकाचार में दान आदि, अज्ञानवश दिए हुए दान आदि से, अज्ञानवश किए हुए पुण्य से, सम्यक से रहित होके की हुई क्रियाओं से जो पुण्य बंधता है उसका नाम है भैया पापानुबंधी पुण्य, जो लौकिक उपकार से बनता है। जैसे कि आप रास्ते में किसी को ठंड लग रही, आपने उसे कंबल बढ़ा दिया, तो आप कहोगे तो हमने तो भैया जीव मात्र पर दया करी, हमने उस प्राणी पर दया करी, तो उस प्राणी पर जो आपने दया का परिणाम किया है ना, वो पापानुबंधी पुण्य को बढ़ाएगा। एक और उदाहरण, जैसे कि रात्रि में आरती कर रहे हो आप,
तो रात्रि में आरती कर रहे हो तो जीव हिंसा हो रही, तो जीव हिंसा पापानुबंधी पुण्य को बढ़ाएगी। विवेकहीन होके किया हुआ कार्य, विवेकहीन, और उसमें भी उस पापानुपुण्य जब बनेगा, जब आपकी भाव की निर्मलता होगी, विशेष विशुद्धि होगी तब। और यदि भाव की विशेष निर्मलता नहीं है वो क्रिया ये, तो फिर पापानुबंधी पुण्य नहीं, पापानुबंधी पाप ही बंधेगा भाई, पापानुबंधी पाप का ही आश्रय होगा, पाप ही बढ़ेगा। तो पापानुबंधी पुण्य क्या है भैया? पाप लिखो, लिखा ही ना, पाप अनुबंधी, पाप से जो अनुबंध रखता है, सीधी सी परिभाषा, कोई से कुछ नहीं पूछना आपको। पांच पाप से हिंसा आदि पांच पाप की प्रवृत्ति से जिसका संबंध हो, पापानुबंधी, जिससे पाप का अनुबंध हो लेकिन कषायों की मंदता परिणाम की विशुद्धि होने के कारण से, अर्थात दयादान परोपकार आदि के निमित्त से, पाप का ही निमित्त हो, पाप की ही क्रिया हो लेकिन अनुबंध पाप का ही हो, लेकिन भावना में दयादान परोपकार आदि क्रिया होने के कारण से जो पुण्य आश्रय हो जाए उसका नाम है पापानुबंधी पुण्य। अब आपने जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था? एक श्रावक यदि किसी दूसरे श्रावक को नियम से भोजन कराने के उपरांत, साधर्मी को भोजन कराने के उपरांत यदि भोजन कर रहा है तो उसे कौन सा पुण्य का बंध होगा? यदि वो श्रावक है मतलब सम्यक दृष्टि, और साधर्मी को मतलब साधर्मी को मतलब दूसरे सम्यक दृष्टि को, दूसरे आत्मार्थी जीव को, कल्याणार्थी जीव को, यदि भोजन आहार कराने के बाद यदि स्वयं आहार कर रहा है तो उसकी ये दान की जो भावना है, आहार दान की ये जो भावना है, ये सम्यक से संबंध रख रही है, सीधे वात्सल साधर्मी से वात्सल्य रख रही है। और यदि ये साधर्मी वात्सल्यपने से साधर्मी का व्यवहार है तो ये नियम से पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है भैया। भैया मान लो ऐसा ही कोई साधारण नियम है भैया कि हम बिना किसी गरीब को भोजन कराए भोजन नहीं करते, ये एक सदाचार लोकाचार में भैया यदि कोई ऐसा पालन कर रहा तो फिर उसका पापानुबंधी पुण्य क्यों भैया? क्योंकि वह साधर्मी सब हट जाएगा, बस सम्यक दृष्टि श्रावक सब हट जाएगा, बस इतना सा हट जाएगा, महा दूसरे का पेट भर के स्वयं पेट पेट भरने की भावना, ये पुण्य का बंध का कारण है। साधर्मी साधर्मी आते से सम्यक्ति की ओर चला जाएगा तो वो ही अति से, और साधर्मी शब्द हटते ही एक सिंपल नियम है भैया आपका, आप मुझे भोजन करा के भोजन करते हैं, साधर्मी को नहीं, आपको तो किसी को भी भोजन करा रहा बिना विवेक विचार के, कोई भी भूखा मिल जाए उसे चार रोटी खिलाओ फिर भोजन करो, भूखे को भोजन कराने का बहुत सारे लोगों का नियम है, भूखे को भोजन कराने के बाद लोगों के तो नियम है, गाय को कुत्ते बिल्ली को भोजन कराने के बाद भोजन करते हैं, बहुत लोग अजीब अजीब गरीब गरीब नियम है। लेकिन भगवान जी यदि वो मिथ्यात सहित है, कुदेवादी अधीरवादी की मानता सहित है, राग मोह आदि के परिणाम सहित है, अज्ञान भावना सहित है, तो वो सब दयादान परोपकार की जितनी भी क्रिया है पापानुबंधी पुण्य है, उस पुण्य से भौतिक सामग्री बढ़ेगी लेकिन भगवान आत्मा वो पाप में लगेगी, भैया विषय आसक्ति बढ़ेगी, तो संसारिक भौतिक साधन संसाधन बढ़ेंगे, पाप अनुबंधी पुण्य से क्या होगा भैया? पाप के अनुबंध से बना है वो, धर्म के अनुबंध से नहीं बना, सम्यक की भावना से नहीं बना, पाप के अनुबंध से बना है तो क्या होगा भैया? पाप के अनुबंध से जो पुण्य बंधा है वो क्या करेगा? वो ऐसी ही निमित्त लेके आएगा जिससे आपका पाप फिर से प्रकट हो, जिसके निमित्त से आप फिर से पाप करो, तो बस फिर आपको नवीन पाप कर्मों दे विषय आसक्ति की ओर ढकेलेगा भैया। इसलिए पाप अनुबंधी पुण्य क्या है भैया? पाप के अनुबंध, पाप के अनुबंध के साथ जो हो रहा, बस अपने को इतना विचार करना है कि पाप अनुबंधी पुण्य किसको बन रहा है? अपने को 24 घंटे बन रहा है। अब 24 घंटे बन रहा मतलब जब भी अपन दया दान के परोपकार के भाव कर रहे हैं किसी पे तो पाप अनुबंधी पुण्य ही बन रहा है भैया। पुण्यानुबंधी पुण्य क्यों नहीं बनेगा? पुण्यानुबंधी पुण्य बंधेगा 16 कारण भावना सहित, दर्शन विशुद्धि की भावना सहित, वीतराग धर्म के बहुमान सहित, दान दे रहे मंदिर में, पुण्यानुबंधी पुण्य बन रहा है, पापानुबंधी बन रहा है, पापानुबंधी क्यों? अहंकसार सहित, नाम की भावना सहित, नाम लिखवाना रसीद कटवाना ये अहम नहीं है, तो उस नाम के लिए ही दान दिया जा रहा है, अपना मेपना ही वर्तमान नाम की पर्याय में लोकाचार में दान दिया जा रहा है, तो वो सब पापानुबंधी पुण्य के खाते में जाएगा।
वीतराग आओ, वीतराग धर्म की महिमा, वीतराग धर्म की प्रभावना हो, वीतराग धर्म जगत में फैल जाए, चारों तरफ वीतराग धर्म की डंका बजे, ऐसी अंतर रोम रोम से भावना पुलकित हो रही हो, और आप दान दे दो, दान की भावना हो जाए आपके अंदर से, तो पुण्यारि वंदीपन। अब आप कहोगे भगवान जी ऐसी भाव बनना ही नामुमकिन है इस कलयुग में, हम तो दिए चले जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो ये दुनिया पापानुबंधी पुण्य ही बांध रही, सम्यक दृष्टियों का मार्ग है कहाँ, यहाँ सम्यक दृष्टियों की भावना है कहाँ, सम्यक दृष्टि यहाँ परिणमित कहाँ का हो रहा है, सम्यक दृष्टियों का माया जाल है चारों तरफ। भैया हमें तो छोड़ दो, अरे भैया हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप बताओ आप कितने धर्म की भक्ति से भर के, बहुमान से भर के आप दान देते हो, और यदि आप दान दे दो उस दान में कितना है इनका, कितने लोगों को बताते हो कि हमने दे दिया। दान का तो रूल यही है कि सीधे हाथ से दिया जाए तो उल्टे हाथ को पता न लगे, दिया तो दिया दे के भूल जाए, लेकिन कितने लोगों को बताया था फोन कर करके कि हमने आज वहाँ देखा इतना देखा, हम तो परमानेंट देते ही रहते हैं, हम तो हमेशा ही देते हैं। कहने में आ जाता, कहने में नहीं आ जाता, मायाचारी के संस्कार परिणमित हो रहे हैं, अहंकार की भावना परिणमित हो रही है, और वहाँ अशुद्ध भाव का परिणमन हो रहा है। इस कारण से अपनी जो अज्ञान प्रवृत्ति है ना, कर्तृत्व की, मोह की, मान कसाई की जो भावना, वो कहलवाए बिना नहीं छोड़ती। नाम यश कीर्ति वैभव, ये सारा पुण्यानुबंधी पाप बनता है, सॉरी पापानुबंधी पुण्य बनता है। तो अपन इतना समझ लिया भैया, शॉर्टकट में ये चर्चा आप इतना समझ लो, बिना सम्यक के, बिना आत्महित के, बिना वीतराग धर्म के, बहुमान के, पुण्यानुबंधी पुण्य कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए मैं पहले सिद्धांत बोल दिया था आपसे, 16 कारण भावनाएं, सम्यक दर्शन और संयम, इन सबको लेके जो पुण्य की प्रवृत्ति होती है, धर्म को लेके, और सरल कर रहा है, वीतराग धर्म को लेके जो प्रवृत्ति होती है उसमें पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है, और वीतराग धर्म को छोड़ के जितना भी पुण्य आश्रय होता है जब वो पापानुबंधी पुण्य होता है। इसलिए भैया अपन सभी वीतराग धर्म की ओर, सम्यक की ओर, स्वभाव की भावना की ओर अग्रसर हो, और इस अज्ञानता में पुण्य ना मान के आत्मज्ञान के हितार्थ, अपने कल्याण हितार्थ, धर्म प्रभावना से पुण्य का आश्रय करें, सम्यक्त सहित पुण्य का आश्रय करें तो आत्म के लिए हितकारी होगा, और समस्त अज्ञान भाव से बचें तो अपना कल्याण का मार्ग बनेगा। ये सारल सी चर्चा अपन ने यहीं पूरी कर दी, अब अपन चलते हैं अनिता दीदी की ओर छिंदवाड़ा, उनका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। एक प्रश्न है उनका, निगोदीय का अक्षर ज्ञान उन्हें समझ में नहीं आता, ये बात तपन क्लियर करते हैं आज। और एक प्रश्न उनका ये है मही की मही कि निगोदीय का अक्षर ज्ञान समझ में नहीं आता, और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा मही की मही कि, एक और प्रश्न क्या था अनिता दीदी, निगोदीय का अक्षर ज्ञान समझ में नहीं आता और तत्मंगल, सॉरी हाँ ठीक है याद आ गया, ठीक है ठीक है ओके। अब अपन दोनों प्रश्नों के आंसर की ओर चलते हैं। निगोदीय का अंतिम ज्ञान, पर्याय ज्ञान क्या है, अच्छे से सुने आप, आगम का विषय थोड़ा सा हम आपको आगम से ही सिद्ध करके बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुने आप। आत्मा, ये जो आत्मा है, ये आत्मा हमेशा ही आत्मा रूप है भैया, आत्मा में आत्मा का अभाव कभी नहीं होता। अब आपको हम बहुत सीधी सी बात बताते हैं, यदि ये आत्मा है, ये जीव अपन आत्मा है ना, अनिता दीदी म्यूट कर ले आप, आत्मा अपन आत्मा है, तो देखो ये आत्मा है ना, तो इस आत्मा को अपन जानते हैं ना, इस आत्मा को शरीर दो ज्ञान का उघाड़ देता है, कौन कौन से, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी संसारी कोई भी जीव 13वें गुणस्थान से नीचे, इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसको दो ज्ञान ना पाए जाते हैं, उन दो ज्ञान का नाम है मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। बहुत अच्छे से सुनो, जब इस त्रिलोक में जितने भी जीव प्राणी विद्यमान है उन सब में दो ज्ञान नियम से पाए जाते हैं, कौन कौन से भैया, एक मति दूसरा श्रुति। अब ये दो ज्ञान नियम से पाए जाने के कारण से, ये मति श्रुति, ये दो ज्ञान नियम से पाए जाने के कारण से, इस जीव में क्या है भैया, इस जीव ने क्या करा, तो मति और श्रुति ज्ञान नियम से पाए जाते हैं, नियम से। अब देखो
जब ये दो ज्ञान नियम से पाए जाएंगे तो इन दो ज्ञान की पर्याय भी नियम से होगी। तो पर्याय ज्ञान जब जीव को मति और शुद्ध ज्ञान पाए जाएंगे, ज्ञान में ये आत्मा है, तो ज्ञान में आत्मा है तो इन ज्ञान में आत्मा में दो ज्ञान का परिणाम पाया जाएगा भैया। कौन कौन से परिणाम का ज्ञान का परिणाम पाया जाएगा? जीव को मति और शुद्ध ज्ञान का परिणाम हर अवस्था में पाया जाएगा, चाहे कोई सी पर्याय में, निबोध से लेके जीव को 11वें गुण 12वें गुण स्थान तक ये मति और शुद्ध ज्ञान पाए जाते हैं। अब जो भी जीव पहले गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक है उन्हें ये पर्याय ज्ञान पाया जाएगा। कौन सा पर्याय ज्ञान पाया जाएगा? मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय रूप पर्याय ज्ञान पाया जाएगा। अब देखो, अब अपन अंतिम पर्याय ज्ञान की बात करते हैं, क्षुद्र भाव प्रमाण। क्षुद्र भाव प्रमाण मतलब निगोरिया का जो भाव होता है उसे क्षुद्र भाव कहते हैं। एक सांस में 8-10 बार, 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण का जो भाव होता है उसे कहते हैं क्षुद्र भाव। उस क्षुद्र भाव को धारण करने वाला जीव जब जब 43,504, अब भावों की संख्या याद नहीं हमें, ऐसे 43,000 ऐसी कुछ है भावों की संख्या, 43,000 कुछ भाव धारण करने के बाद जब उसका 14 या 15वां भाव धारण करता है तब उसको जो अंतिम ज्ञान होता है, अंतिम पर्याय ज्ञान, तब वो अंतिम पर्याय ज्ञान जो है ना उस जीव को, वो अंतिम पर्याय ज्ञान निरावरण है भैया। निरावरण मतलब भैया कि उससे कम ज्ञान तो किसी जीव को हो ही नहीं सकता। निरावरण का मतलब क्या होता है भैया? कि अक्षर के अनंत विभाग कहने का अभिप्राय यह है कि वो जो अंतिम पर्याय ज्ञान है ना भैया, उतना ज्ञान तो, उतने ज्ञान का उघार तो सब जीवों में कम से कम पाया ही जाता है। उस ज्ञान को कोई भी कर्म ढक नहीं सकता, उस ज्ञान को कोई भी कर्म मलिन नहीं कर सकता, उस ज्ञान की सत्ता कोई भी कर्म नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए उस पर्याय ज्ञान को निरावरण पर्याय ज्ञान कहा गया है। और उस पर्याय ज्ञान की अपेक्षा से ऐसा आप विद्वानों के मुंह से सुनते हैं, क्या सुनते हैं भैया, कि निगोद में भी अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान का उघाड़ है, मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। हे जीव देख, जब निगोद में भी उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ढकने में सामर्थ्य कोई नहीं है तो जीव आत्मा तू कहां विकल्प रूप आवरण को देख रहा है? तेरे ज्ञान की पर्याय तो प्रति समय प्रकाशित ही हो रही है, तेरे अंतर मति शुद्ध ज्ञान का प्रकाश तो प्रकाशित ही हो रहा है। और यदि ये मति शुद्ध ज्ञान तेरे अंतर में सदा सर्वदा सर्वकाल प्रकाशित हो रहा है तो इस बात का प्रमाण है, क्या प्रमाण है, कि तू आत्मा केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप, अर्थात तू आत्मा ज्ञान स्वभाव में है। इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही तो वो मति शुद्ध ज्ञान की दीप्ति उस निगोरिया जीव के पर्याय ज्ञान में भी झलक रही है। और देख, यदि इसमें इस जीव में ज्ञान स्वभाव नहीं होता तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की ज्योति कहाँ से आती? तो ऐसे मति शुद्ध ज्ञान की अपनी ध्रुव ज्योति को जान के तू अपने ही स्वभाव का अवलंबन ले कि देखो 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 देखो, अंतर आत्मा के ज्ञान से ही तो ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। और यदि अंतर आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला नहीं होता तो ये मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आती? आज सुबह हमने क्या कहा था आपसे, इंद्रियों के अवलंबन से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है, और मति ज्ञान पूर्वक उन्हीं इंद्रियों के अवलंबन से उन्हीं विषयों को जानने वाला, विशेषता से जानने वाला, उन्हीं पदार्थों को विशेषता से व्यवहार करने वाला, उन पदार्थों में शुद्ध ज्ञान। तो ये मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, किस अपेक्षा से? ये मति शुद्ध ज्ञान सब परोक्ष है, किस अपेक्षा से? इंद्रियों के निग्रह अर्थात इंद्रियों के क्षयोपशम की अपेक्षा से ये सब परोक्ष। किसने म्यूट खोला है? हमारी आवाज कट रही है, एक सेकंड, इतनी देर पहले से बोल देते भैया जी। ओके, एक सेकंड, नेटवर्क कनेक्शन चेंज कर दे रहा है, एक मिनट। जल्दी से हो जा डाइवर्ट भाई, जल्दी से।
डाइवर्ट होने तैयारी नहीं है भैया, चक्कर है। हाँ चलिए, होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात। चलिए हो गया, तो हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ये प्रश्न का उत्तर, आप फिर से अच्छे से सुनिए, जितना भी कटा होगा उतना डिस्टर्ब हो चुका है। अब फिर से अंतिम निगोदिया जीव को शॉर्टकट में, अंतिम निगोदिया जीव मतलब 6013वां भाव होता है शायद, 6013वां 14वां भाव। जब अंतिम निगोदिया जीव को 6013वें या 14वें भाव में जो ज्ञान होता है ना, वो सबसे न्यून ज्ञान होता है। सबसे न्यून ज्ञान मतलब क्षुद्र भाव प्रमाण अंतिम ज्ञान, अंतिम ज्ञान कहते थे बिल्कुल सबसे न्यून ज्ञान, क्षुद्र भाव प्रमाण न्यून ज्ञान जो 14वें भाव के अंतिम समय में जो ज्ञान होता है ना उसे, वो पर्याय ज्ञान निरावरण है। मतलब उससे कम ज्ञान किसी जीव को हो ही नहीं सकता। अब ये कहते हैं जीव आत्मा, ये पहचान, ये बोध कराते हैं जीव को कि देखो जब निगोद अवस्था में भी तुम्हें ज्ञान की निर्मलता प्रकट है, मति शुद्ध ज्ञान का अंश प्रकट है, तो तुम्हारा ये ज्ञान क्या है भैया, निरावरण ज्ञान है। और इस बात का बताने का क्या अभिप्राय रहता है भैया कि देखो निगोद में भी वो ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है, तो जब महा जगमगा रही है तो इस बात से आप ये प्रमाण करो क्या कि जीवात्मा जब महा वो ज्ञान जगमगा रहा है तो मैं अनंत ज्ञान में आत्मा ही हूं, मुझ में ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं भैया। ऐसा तत्व का निर्णय करके, ऐसे सत्य का निर्णय करके अपने को क्या करना है, बहुत अच्छे से सुनो। देखो क्या करना है, अभी अली हम क्या कह रहे थे कि ये जीव को जो मति शुद्ध ज्ञान है ना, अपने मन और इंद्रियों के निमित्त से हो रहा है ये, तो मन और निमित्त इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान क्या है भैया, वो ज्ञान क्षयोपशम इंद्रिय ज्ञान है। लेकिन जो आत्मा के निमित्त से हो रहा है, आत्म तत्व के निमित्त से हो रहा है, उसमें मन और इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो आज सुबह अपन ने क्या कहा था, आपने अच्छे ध्यान से चर्चा सुनी हो तो क्या कहा था भैया कि मन और इंद्रियों के निमित्त की आवश्यकता क्षयोपशम ज्ञान के लिए, क्षयोपशम ज्ञान के लिए है। लेकिन भैया आत्म ज्ञान के लिए तो मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जो सम्यक मति सम्यक श्रुत ज्ञान हो रहा है, जो आत्म ज्ञान हो रहा है, जो स्वानुभव सन्मुख ज्ञान है, जी देखो भैया वस्तु स्वरूप का निर्णय करने रूप भी यदि ज्ञान करोगे आप, तो वो वस्तु स्वभाव का निर्णय करने रूप ज्ञान के लिए मन का आश्रय चाहिए पड़ेगा। लेकिन जो स्वानुभव गम ज्ञान है, आत्मा के अनुभव गम मति और शुद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान इंद्रिय और मन से रहते भैया, आत्मा के निमित्त से हो रहा है। और वह ज्ञान परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष है, क्यों, क्योंकि आत्मा सर्वांग अपने स्वानुभव में प्रत्यक्ष ही है। जब भी आत्मा का अनुभव करोगे तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान स्वानुभूति प्रमाण अपने अनुभव का विषय है। इसलिए ज्ञानी जीव के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, किसके, स्वानुभव के काल में, याद रखना कब किस काल में, आत्म अनुभव के काल में। तो आत्म अनुभव के काल में ज्ञानी के मति और शुद्ध ज्ञान दोनों प्रत्यक्ष हैं भैया। इसलिए आपने अंतिम ज्ञान का जो प्रश्न किया था वो निगोरिया की अपेक्षा से क्यों है, वो क्यों कहते हो आप लोग बार बार, इसलिए कि मति शुद्ध ज्ञान की सत्ता दिखाने के लिए, और मति शुद्ध ज्ञान है तो उसकी पर्याय अंत तक निरावरण है। अंतिम कितना ही आवरण पड़ जाए, निगोदिया जीव को उस समय सबसे ज्यादा आवरण है, इतना आवरण आने के बाद भी अंतिम पर्याय ज्ञान को नष्ट करने में कर्मों की सामर्थ्य नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ज्ञान की पर्याय को भी पूर्ण रूप से आवरण नहीं ढक सकता, ज्ञानावरणी कर्म की भी लिमिट है भैया, वो भी आत्मा के पूर्ण आवरण नहीं कर सकता, ज्ञान की पर्याय को पूर्ण आवरण नहीं कर सकता। निगोद पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य है जीव की कि जीव की चैतन्य शक्ति प्रकट ही रहती है। तो इस बात का निर्णय करके अपन इस बात को अनुभव प्रमाण सिद्ध करें क्या, यदि ये मति शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है तो ये पंच दीप्तियां, ये पांच ज्योतियां, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय केवल ज्ञान, ये पंच दीप्तियां उस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से जगमगा रही हैं। वो जब वैसा ज्ञान, वो ही अभेद ज्ञान स्वभाव मेरे अंतर में है, तो भगवान आत्मा फिर मैं क्यों पर पर्याय को देख रहा हूँ।
क्यों पर्णमन को देख रहा हूँ, आज तो संगीत पंचेंद्री बना है ना, आज तो अपने अंतर में वीतराग स्वभाव का सहकार है ना, आज तो अपने मतिशुद्ध ज्ञान में बल है ना कि अपन इस मतिशुद्ध के अवलंबन से पूर्ण केवल ज्ञान में अभेद अखंड शक्ति का जागरण कर सकते हैं। ये बहुमान के लिए कहा जाता है आपसे कि देखो देखो निगोदिया तक निगोदिया जीव का भी कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, उसके ज्ञान पे आवरण नहीं डाल पा रहा है, पर्याय ज्ञान पे आवरण नहीं डाल पा रहा है। देखो अंतिम पर्याय ज्ञान में अभी भी इस बात की सिद्धि है, ये जीव है, ये जीव अंश है, और ये जीव अंश में इसकी मति शुद्ध ज्ञान की चेतना लहरा रही है। आज भी कोई इसे अजीब नहीं कह सकता, आज भी कोई इसे जड़ नहीं कह सकता, आज भी कोई उसे क्या बोलते हैं पुद्गल नहीं कह सकता, आज भी इतना आवरण होने के बाद भी कोई उसे अचेतन साबित नहीं कर सकता। देखो अंतिम अंतिम भाव रूप अंतिम पर्याय ज्ञान रूप भी वो मति शुद्ध ज्ञान अंश उसे जगमगा रहा है, और वो अंश कह रहा है भगवान आत्मा कि ये आवरण पर्याय में है, और देखो ये आवरण की पर्याय भी ये पर्याय पर जो आवरण है ये आवरण भाव रूप अंतिम पर्याय निरावरण है, इस पे कोई आवरण डाल के बताओ। ऐसा लगता है कि वो निगोरिया ज्ञान की निगोरिया जीव की जो ज्ञान की अंतिम पर्याय है वो कर्मों को चैलेंज कर रही हो। क्या चैलेंज कर रही हो कि कर्म कर्म यदि तुम में दम हो तो इससे ज्यादा आवरण डाल के बताओ मुझे, इससे ज्यादा न्यून करके बताओ, इससे ज्यादा शून्य करके बताओ। तो भैया ऐसा लग रहा है कि वो अंतिम ज्ञान पर्याय रूप जो चैलेंज कर रही हो किसको, कर्म को, कि मुझे इससे ज्यादा कम करके बताओ। तो भैया वो निरावरण पर्याय ज्ञान कभी ढकता नहीं है, ऐसी जीव सामर्थ निगोदिया में भी अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान होने के बाद भी विद्यमान है। क्यों क्यों बहुमान दिलाते हैं ऐसा कह के, जो निगोदे में सोही मुझ में सोही मोक्ष में जा रहा, क्या दम है मेरे मति शुद्ध ज्ञान में जो जगमगा रहा है, निगोदिया के मति शुद्ध ज्ञान में जो जगमगा रहा है, और केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान और दर्शन में जो जगमगा रहा है वो मेरा ही अभेद ज्ञान स्वभाव है, उनमें मुझ में और सर्वज्ञ में कोई अंतर नहीं है, ऐसी निरंतराय चेतना का बोध कराने के लिए अंतिम पर्याय ज्ञान की चर्चा करी जाती है। उस अंतिम पर्याय ज्ञान को बार बार कहा जाता है कि जीव उस अंतिम पर्याय ज्ञान से अपना मिलान कर सके। भैया अपन अपना मिलान कर सके इसलिए है वो, तो भैया अपन अपना मिलान करके और उस जीव सत्ता को हमेशा स्वीकार करो आप, और जीव सत्ता को हमेशा चैतन्य में जानो, उस जीव सत्ता को हमेशा निरावरण में जानो, और पंच दीप्ति का जो प्रकाश हो रहा है वो ज्ञान स्वभाव से है ऐसा जान के अपनी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव के ऊपर हट जाए, और इंद्रिय और मन के अवलंबन रहित आत्मज्ञान रूप मतिशुद्ध ज्ञान की ज्योति जले, सम्यक मतिशुद्ध ज्ञान की ज्योति जले, अर्थात स्वानुभव रूप आत्मज्ञान प्रकट हो, स्वसन्मुख आत्मज्ञान प्रकट हो, अपने हृदय में आत्मज्ञान स्वभाव का साक्षात्कार हो, अपने ज्ञायक स्वभाव का अपने हृदय में साक्षात्कार हो, इसलिए आपको बार बार उस जीव सत्ता का बोध कराया जाता है। और अपन जीव सत्ता का बोध करें तो अपना कल्याण का मार्ग बनता है। अब आपका एक और प्रश्न इसी से जोड़ दिया था आपने कि तत्त्व मंगल शुरू में तो समझ में आता है भैया, तत्त्व ही सर्वोपरि है, तत्त्व ही सर्वश्रेष्ठ है, तत्त्व ही इष्ट है, तत्त्व ही उपादेय है, और तत्त्व मंगल भैया शुरू में तो समझ में आता है लेकिन अंत में भी, भैया हम आपको एक बताएं, तत्त्व मंगल आपको शुरू में दिखाई देता है, हम सही बात आपको बताएं ना, तो शुरू में भी तत्त्व मंगल होता है, पूरी तत्त्व चर्चा में भी तत्त्व मंगल होता है, क्योंकि तत्त्व के मंगल के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करते, और अंत में भी तत्त्व मंगल होता है। अब आपने कहा भैया विधि क्या है, हम तो अंत में स्तुति पढ़ते हैं। देखो भैया हमारा या अधिकतर साधक जो अपने यहाँ है अपन सब लोगों का मंदिर विधि शुरू करते हैं तो भी तत्त्व मंगल पढ़ते हैं, और मंदिर विधि पूर्ण करते हैं तो भी तत्त्व मंगल पढ़ते हैं, हम भी शुरू से तत्व चर्चा प्रारंभ करते हैं तो भी तत्व मंगल पढ़ते हैं, तत्व से ही प्रारंभ करते हैं और तत्व चर्चा पूर्ण करते हैं, जनवाणी का जो अध्यात्मवाणी आदि हम जो खोलते हैं उनको जब विराजमान करते हैं या बंद करके स्थापित करते हैं तब भी तत्व मंगल पढ़ते हैं, उसके बाद सावधानों की स्तुति भी पढ़ते हैं भैया। तो तत्व मंगल से ही प्रारंभ है और तत्व मंगल से ही अंत, क्योंकि तत्व ही प्राण है भैया, और तत्व मंगल मात्र पढ़ने की वस्तु नहीं है, वो तत्व स्मरण की वस्तु है, वो तत्व मंगल तत्त्वम च नंद आनंद माऊ, उसे पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता है कि जो अपना निःशुद्धात्म तत्व है वो नंदमय है, आनंदमय है, परमानंदमय है, वो ही चिदानंदमय है, वो ही सहज स्वभाव वाला वीतराग तत्व है, उस तत्व के अलावा बाकी इस लोक में दूसरा कोई मंगल ही नहीं है, वो परम तत्व परमात्मा जो निःशुद्धात्मा है
वो तत् ही वो निश्चात्म तत् ही नंद है, आनंद है, चयानंद है, सहजानंद है, परमानंद है, ऐसे पांच आनंद को समेटे हुए तत्म च नंद आनंद मऊ चैन नंद साहु और परम तत् पद बिंद पऊ वो मेरा ही नम्यो सिद्ध स्वभाव। भैया ऐसे तत्व को लक्ष्य में लेके उस सिद्ध स्वभाव को नमस्कार करने की जो भावना है, वंदना है, वो ही उस तत्व मंगल में रहती है। चाहे फिर गुरुओं की वंदना हो जो गुप्त ज्ञान सहकार, जो गुप्त ज्ञान का सहकार करा दे, जो वीतरागी भावलिंगी संत है ऐसे गुरुओं का वंदन हो, या धम्म ज्योतव जिन भाई जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वीतराग धर्म हो, इन तीन मंगलों करके भैया व्यवहार में सच्चे देव गुरु धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय शुद्ध आत्म तत्व, निश्चय शुद्ध आत्म गुरु तत्व की रुचि और भैया वीतराग धर्म की महिमा को कहके ही शुरुआत और वीतराग धर्म की महिमा को कहके ही अंत। परंपरा तो यही है, परंपरा भी यही है और हम अपनी रुचि का विषय भी यही। बाकी भैया आप सावधान होकर स्तुति पढ़ के तो पढ़ते हैं तो ये बात तो हम तत्व मंगल के बाद भी करते हैं, यहाँ तत्व मंगल के बाद भी वो स्तुति का वांछन होता ही है। बस ये है कि आप लोगों को म्यूट कर दिया जाता है, आप लोगों को लीव कर दिया जाता है, बाकी का व्यवहार तो बाकी होता ही है। तो मूल बात तो ये थी भैया क्या ज्ञान, अब अपन ज्ञान स्वभाव की महिमा को जाने। मूल बात तो यह है कि आपको अपने ज्ञान मात्र सत्ता पे कितना विश्वास हो रहा है, आप ये बताओ। अब आ जाओ आप अपनी सत्ता पे भी, सारी चर्चाओं का साथ, पुण्य पुण्य पापानुबंध पुण्य की चर्चा हो, पुण्यानुबंध पुण्य की चर्चा हो, व्यवहार की बात है बहुत अच्छे सावधान, अंतिम पर्याय ज्ञान की चर्चा हो या तत्व मंगल की चर्चा हो, ये सारी चर्चाओं का सार 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 क्या आपको आपकी वो वीतराग शक्ति आपकी दृष्टि का विषय बन रही। देखो दिन रात चर्चा कर रहे हैं अपन भैया, दिन रात चर्चा कर रहे हैं आत्मा 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 आत्म स्वभाव की दिन रात चर्चा कर रहे हैं। दिन रात चर्चा करने के बाद क्या आपको वो आपका इष्ट स्वभाव आपकी दृष्टि का विषय बन रहा है? आपने अभी अंतिम पर्याय ज्ञान सुन लिया अल्पना दीदी, सुना तो ये बताओ कि आपको अंतिम पर्याय ज्ञान सुनने के बाद क्या आपको अपने आत्म स्वभाव, अंतिम पर्याय ज्ञान सुनने के बाद आपको ये विश्वास हुआ? देखो 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 जब निगोदिया को वो ज्ञान की ज्योति चल रही है तो क्या वो ज्ञान स्वभाव मेरे अंदर प्रकाशित नहीं हो रहा? और हो रहा है, यदि वो ज्ञान स्वभाव का अंश विद्यमान है महा निगोदिया जीव को भी, और तो वर्तमान में मतिशुद्ध ज्ञान रूप अंश तो मुझे ही विद्यमान है, और जब वो पर्याय ज्ञान मुझे भी विद्यमान है मतिशुद्ध ज्ञान रूप आज अपना क्षयोपशम ज्यादा है, तो भगवान जी आज अपन अपने क्षयोपशम से इंद्रिय विषयों में रति करके क्या उस आत्मा पे आवरण बढ़ा रहा है या घटा रहा है, अपनी चेतना की अनुबोधना कर रहा है या अपनी चेतना की विराधना कर रहा है? जल्दी बता मीनल जी, जल्दी बता, चेतना की विराधना कर रहा है या अनुबोधना कर रहा है? मीनल जी सो रहे हो ना, विराधना कर रहा है अनुबोधना कर रहा है? भगवान आत्मा जब तक अंतर से उस स्वभाव की अनुबोधना का परिणाम नहीं जगेगा भैया, तब तक संसार के परिभ्रमण से मुक्ति नहीं होगी जीवा। अनुबोधना अनुबोधना सहज अनुबोधना भगवान आत्मा, देखो हमने आपको सुबह बहुत बहुमान जगाया था, आपको याद आना चाहिए भैया कितनी अपने अपने के साथ जीना, जीने वाले के साथ जीना। ये सारी चर्चा, ये पूरे आगम के विषयों का समाधान इसलिए है कि अपनी बुद्धि में जो खोट पड़ी है वो खोट निकले भैया। ये सुनो अपनी बुद्धि में क्या खोट है, अपनी बुद्धि में ये खोट है कि पर पर्याय के विषय ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है। अपनी बुद्धि में ये खोट है कि अपन पर्याय के विषयों को सुनने के लिए, पर के विषयों को सुनने के लिए बहुत रुचि लगाते हैं भैया, लेकिन भगवान आत्मा की अपनी ये कुटेव, ये खोट, ये खोटी बुद्धि हट रही है। इन सारे विषयों के समाधान का एक ही अर्थ होता है और हम एक ही प्रयोजन को लेकर समाधान देते हैं आपको। क्या प्रयोजन लेके भैया? कि आपको आपके शुद्ध चैतन्य में निरावरण तत्व का पोषण कितना हो रहा है, बस चर्चा का एक ही अभिप्राय होता है भैया। क्या कि आपकी नजरों में आपका शुद्धात्म प्रभु, आपका वीतराग परमात्मा झूला या नहीं झूला आपके नैनों में, आपके नैनों में वो शुद्धात्म प्रभु झूले या नहीं झूले आपके नैनों, ज्ञान में नेत्रों में, अंतर हृदय के ज्ञान में नेत्रों में वो ज्ञान स्वभावी आत्मा का क्या कहते हैं, हृदय कंठ ललितम, आचार्य तारा स्वामी ने माला रोहन जी में कहा ना, मति शुद्ध ज्ञान के झूले में
हृदय रूपी मति, हृदय को उन्होंने शुद्ध ज्ञान का, कंठ को उन्होंने मति ज्ञान का, हृदय और शुद्ध मति और शुद्ध ज्ञान के रूप के झूले में क्या आपके चैतन्यमय परमात्मा का स्वानुभव झूल रहा है? आपको मति शुद्ध ज्ञान के झूले में क्या आपके दिव्य ज्ञान स्वभाव का प्रकाश झूल रहा है आपके हृदय में? यदि आपके हृदय में मति शुद्ध ज्ञान के झूले में आपका चैतन्यमय प्रकाश, आपका दिव्य आत्मा झूल रहा है भगवान आत्मा, तो ही आप भव्य आत्मा हो, तो भव्य जीव हो। इन सारी चर्चाओं का अभिप्राय है एक शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम। आपके चित्त में उस शुद्धात्म शक्ति का जागरण, शुद्ध तत्व का प्रकाश झूल जाए, बस ये अभिप्राय है। ये अभिप्राय है कि वो शुद्धात्म शक्ति का प्रकाश आपके अंतर हृदय में झूल जाए। और भगवान जी आपन ये बुद्धि जितने प्रश्न कर रहे हैं आप, ये सारे बुद्धि के विकल्प एक तरफ रह जाए और आपकी अंतर आत्मा में, आपका चैतन्य में आत्मा, जो दिव्य चैतन्य में भीतर तत्व है ना अपना, वो दिव्य चैतन्य में आत्मा जगमगा जाए। और याद रखना चेतन आत्मा, यदि वो दिव्य आत्मशक्ति नहीं जगमगा रही अपने अनुभव में, तो फिर संसार परिभ्रमण कभी छूटने वाला नहीं है। पहले हमें एक बात और आप बताओ, आज कोई क्लास है क्या? न्यू लोग क्यों ज्वाइनिंग क्यों है? कोई क्लास है क्या अभी? पोस्टी है क्या अभी कुछ? कोई जवाब देना, कितने बजे? 3:30 तो कब के बज गए? चलिए तो अपन आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन 4:45 तक का क्लास का टाइम रहता है। आप अगले वार से जो भी प्रोग्राम रखें 4:45 से ही टाइम सेट करा करें, ठीक है? तो आज के प्रश्न को अपन यहीं के यहीं पूर्णता की ओर दे रहे हैं। भैया अपनी पूरी चर्चा का सार इतना है, क्या है कि अपने अंतर स्वभाव में ही आपको अपना सहकार होना चाहिए, बस। समस्त चर्चाओं का सार यही भैया, पूर्ण आगम का सार यही है। अपन इसी विषय को जो थोड़ा शेष रह गया उसे अपन कल आगे बढ़ाएंगे। इसी से अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि संपूर्ण चर्चा का सार निज शुद्ध चेतना है, शुद्ध आत्मा है भैया। अरे लाख प्रश्न के समाधान का यदि एक ही अर्थ अपने जीवन में निकले तो वो अर्थ है स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव। इसकी पकड़ मजबूत हो, अपनी दृष्टि अपने ज्ञान स्वभाव पर टिके, इन्हीं भावना के साथ भैया आज का अपन ये विषय यहीं पूरा कर रहे हैं। सभी लोगों से जय चैतन्य, जय आनंद।